खिलाफत दुवम के ज़माने में ईरान की अजीम सल्तनत की सरहदों से मुत्तसिल मुल्क इराक में एक छावनी बनाई गई। इसी छावनी से साद इब्न अबी वक्कास की सरदारी में इस्लामी फौजें ईरान पर हमलावर हुईं। रफ्ता रफ्ता ये छावनी तमाम फतूहात इस्लामी का मरकज़ बन गई और एक वसी व अरीस शहर की सूरत इख्तियार कर गई, जिसे कूफा कहा जाता था। यह शहर सदर इस्लाम की तमाम सियासी सरगर्मियों का अहम मरकज रहा। साद इब्न अबी वक्कास, अम्मार यासिर, वलीद इब्न उकबा उन अफराद में से थे जो कूफा की इमारत के अहदेदार हुए। वलीद इब्न उकबा खलीफे सिवम का रजाई भाई था। इसी बलबूते पर वे महारूट की तरह कूफे में उसने तमाम इस्लामी अख्तार को रौन डाला था और कूफे के बैतुल माल को इस तरह निगल गया था के बकौल इमाम अली अलैहिस्सलाम, जैसे ऊंट मौसम बहार की नरम कलियों को निगल जाए। मस्जिद कूफा 37 हिजरी के बाद का दौर। घूम जा। रुक जा। सर चुका। चला बैठ जा। कुत्ता बन जा, कुत्ता बन जा, कुत्ता बन जा, कुत्ता बन जा। अब तुम निकाल, निकाल अपनी तुम, ज़बान निकाल। उड़ गया।
पैदा हो गया। इंसान के बजाय अगर तू कुत्ता होता तो चैन से जीता। चल जानवर आजा आजा आजा, घूम जा घूम जा, अब बैठ जा बैठ जा। क्या हुआ, कुत्ता बनना अच्छा नहीं लगा जाहिल, चल इंसान बन जा। मुझे यकीन था तू जरूर पछताएगा पागल। शमशीर मर्दान, मुसलमान की तलवार इसकी जान लेगी और साहिरे यहूदी की रहमत से इसे दोबारा जिंदगी मिलेगी। अब कौन जीता और कौन हारा, वलीद या जादूगर? खोलो, इंसान है, हंस के दिखा, रो के दिखा, देखा इसे हंसना और रोना अच्छी तरह आता है। हम में और इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इसने जुर्म किया और इसे सजाए मौत मिली। अब इसने क्या किया नहीं मालूम, अब वो हाकिम कूफा के हुक्म से सजाए मौत का हकदार है। अब मैं इसकी शिफात करता हूँ, पहले इसकी गर्दन उड़ाऊंगा ताकि हुक्म वलीद बजा लाऊं।